अगर कोई पीछे छूट जाए तो बोल देना कि सर ये मेरा एडजस्टमेंट इफेक्ट करना बाकी है। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 27, पंडित पंड्या एंड पटेल। स्टूडेंट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सम। सबसे पहले मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिक्युलर रुपीस, पर्टिक्युलर रुपीस। स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद कैश अकाउंट, पर्टिक्युलर रुपीस, पर्टिक्युलर रुपीस। देन उसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, लायबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस। सर हम ऐसा ड्रॉ करें ना कि बैलेंस शीट लास्ट में आए? लास्ट में हाँ, आप लोग ऐसे ही ड्रॉ करना अपना बैलेंस शीट लास्ट में, क्योंकि मेरे को तो क्या बेटा वो जगह का एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। इसीलिए दो पार्टनर्स, उसका कैपिटल अकाउंट पंडित एंड पंड्या, ये कैपिटल अकाउंट, पर्टिक्युलर पंडित पंड्या पटेल, पर्टिक्युलर पंडित पंड्या पटेल। फटाफट ड्रॉ कर दो बच्चों, मस्त समय बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट। मैत्री आई है? मैत्री यस सर। ओके मुस्कान आई है? मुस्कान, मुस्कान आई है? बेटा ये फटाफट ड्रॉ करो तो सम चालू करें। स्टूडेंट्स सम स्टार्ट करने से पहले एक चेंज करो, एरर है बेटा क्वेश्चन में, एरर है। एडजस्टमेंट नंबर 4, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ रुपीज 8000 ऑफ पंड्या की जगह पे पंडित करो बेटा। सर एडजस्टमेंट नंबर रिपीट करो। एडजस्टमेंट नंबर 4, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ रुपीज 8000 ऑफ पंड्या को कट करके पंडित करो। वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ 12000 इज पेड बाय पंडित, तो वहां पंडित की जगह पे पंड्या करो। शुरू करें स्टूडेंट्स? सर 4 वाला फिर से बोलो। 4 में बेटा सिंपल, 4 में पंड्या को कट करके पंडित करो और 5 में पंडित को कट करके पंड्या करो। ओके यस सर, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पंडित एंड पंड्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। पंडित एंड पंड्या, ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है बेटा 2:1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन चेक करो, न्यू रेशियो है? यस यस सर। न्यू रेशियो क्या दिया बेटा अपन को? 3:5:1। इसका मतलब पटेल का रेशियो हो जाएगा 1/3 और 5, 8 और 1 9।
पटेल का रेशियो हो जाएगा 1/9। स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे? सैक्रिफाइस की फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। पंडित, पंडित का ओल्ड रेशियो 2/3, न्यू रेशियो 3/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 - 9/27, 9/27 पंडित। अब पंड्या, पंड्या का ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 - 15/27 -6/27। कंप्लीट करो बेटा साथ साथ में, वर्किंग नोट्स करके दिखाना बेटा ये सब। सर वर्किंग नोट शो करना कंपलसरी है बेटा, पहले लेक्चर से ये चीज बोल रहा हूँ नव्या, पता नहीं बेटा कम से कम ये 20 बार ये सब लोग पूछ चुके हैं कि वर्किंग नोट दिखाना कंपलसरी है। मैं 20 बार बोल चुका हूँ हाँ कंपलसरी है, कहाँ ध्यान होता है बेटा तुम लोगों का लेक्चर में। बड़े आगे स्टूडेंट्स, अरे जल्दी बेटा, हो गया कंप्लीट? यस सर। एडजस्टमेंट टू, पटेल ब्रॉट 50,000 एज दिस कैपिटल इन कैश, जनरल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? सर मैं आई कैश कैश अकाउंट डेबिटेड टू पटेल्स कैपिटल, कितना लेके आया? 50,000 कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट में टू पटेल्स कैपिटल 50,000, टू पटेल्स कैपिटल पटेल में क्रेडिट में 50,000 बाय कैश। स्टूडेंट सब लोग साथ साथ में ही जा रहे हैं ना मेरे? यस सर। हाँ साथ साथ में जाना, नहीं तो लास्ट में सब पता ही नहीं चलेगा कहां से कहां चला गया। बेटा हो गया ये सबका पोस्टिंग? यस सर। यस सर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर। अब ऊपर चेक करो बेटा, हमारा लोन है 50,000, उसके ऊपर 10% मतलब 5,000 इंटरेस्ट पे करना है। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट पे करना तो ये अपने लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। सो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, एंड दिस इज आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, पे करना बाकी है। Liability. Outstanding interest on loan 5,000. दिखा दो दोनों जगह। सर एक बार फिर से समझाइए ना। ऊपर हमारा लोन है बेटा 50,000 का, उस पर 10% इंटरेस्ट पे करना बाकी है। तो 50,000 का 10% मतलब 5,000 इंटरेस्ट पे करेंगे, हमारा लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट पे। And this is outstanding. It means we have not paid yet. Future में pay करेंगे. इसलिए liability में outstanding interest on loan. Okay beta? Yes sir. बढ़े आगे students? Yes. Yes sir. Next. Yeah. Personal expense of rupees 8,000 of Pandit. Pandit के personal expense. Students personal expense का मतलब drawings. अब जैसे capital आप credit में लिखते हो, तो drawings कहाँ पे लिखे हुए students? डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स, किसके हैं? पंडित के 8,000 के एक्सपेंस है, ये पंडित में लिख दिया। एडजस्टमेंट कंटिन्यू बेटा, पर्सनल एक्सपेंस रुपीज 8,000 ऑफ पंडित, पंडित के 8,000 के पर्सनल एक्सपेंस थे, इसलिए पंडित में डेबिट किया 8,000,
was debited to the profit and loss account. उसको गलती से हम लोग profit and loss के debit में लिख चुके हैं. तो गलती से P&L के debit में लिखा है तो उसको क्या करेंगे अपन? Credit. तो P&L मतलब revaluation. Revaluation के credit में लिखेंगे by personal expense of Pandit. पंडित के पर्सनल स्टूडेंट्स पंडित का पर्सनल एक्सपेंस. पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग्स. कैपिटल हम क्रेडिट में लिखते हैं तो ये ड्राइंग से तो डेबिट में लिखेंगे. पंडित के कॉलम में 8000 जो गलती से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हो चुका है. गलती से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट मतलब रिवैल्यूएशन का क्रेडिट. रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पंडित 8000. बेटा मैंने एडजस्टमेंट नंबर 4 तक सॉल्व किया है. सबका एडजस्टमेंट 4 तक हो गया है ना बेटा? कोई पीछे नहीं छूटा ना? क्या बाकी है प्रेम? सर ये लास्ट लिखा ना जो आपने. ओके लिखो 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 फटाफट तो आगे बढ़े. सर हाँ बेटा. सर ये ड्राइंग डेबिट में ये पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में इसलिए लिखा ना कि ड्राइंग था इसलिए. डेबिट तो रिसीवर है बेटा. ड्राइंग्स मतलब पार्टनर बिजनेस में से पैसा ले रहा है तो डेबिट रिसीवर इसलिए डेबिट करेंगे. ओके सर. प्रेम हो गया बेटा तो मैं आगे बढ़ू. स्टूडेंट्स आगे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ 12,000. 12,000 का एक्सपेंस. स्टूडेंट्स एक्सपेंस मतलब बिजनेस के लिए प्रॉफिट के लॉस. तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 12,000. एडजस्टमेंट कंटिन्यू बेटा. इज पेड बाय पंड्या. पंड्या ने पे किया तो स्टूडेंट्स अगर हम पे करते तो हम लोग कैश के क्रेडिट में लिखते लेकिन पंड्या ने पे किया है. डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. हु इज द गिवर? पंड्या इज द गिवर. तो पंड्या के क्रेडिट में लिखेंगे 12,000 बाय रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस. एडजस्टमेंट क्लियर बेटा सबको? क्या लिखा है बेटा? रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ 12,000. एक्सपेंस है. एक्सपेंस मतलब लॉस. रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 12,000. इज पेड बाय पंड्या. डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. पंड्या इज द गिवर इसलिए पंड्या के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 12,000. ओके बेटा. सर यस बेटा. सर ये एक्सपेंस या कुछ भी इनकम होती तो उसको शेयर में डिवाइड करके नहीं होता? नहीं नहीं, वो रिवैल्यूएशन का डिफरेंस निकाल के फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना बेटा. इन टोटल एक एक करके कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यस तभी तो अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना बेटा. अच्छा बड़े आगे स्टूडेंट्स. यस सर. यस. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2,70,000. स्टूडेंट्स ये फर्म की गुडविल है. फर्म की गुडविल है 2,70,000 लेकिन हमें किसकी चाहिए? पटेल की गुडविल. 2,70,000 इनटू पटेल का रेशियो 1:9. इसका मतलब पटेल की गुडविल कितनी होगी स्टूडेंट्स? 30,000. ठीक है ना स्टूडेंट्स. एडजस्टमेंट नंबर 7 हम लोग करेंगे लास्ट में सॉल्व. हमको स्टूडेंट्स ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है कि जो गुडविल का पैसा है वो कैश में लेके आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? पटेल गुडविल नहीं लाएंगे, फ्यूचर में लेके आएंगे. फ्यूचर में लेके आएंगे. जनरल एंट्री पे फोकस करना बेटा. पटेल्स करंट अकाउंट डेबिट 30,000 जितना पैसा वो फ्यूचर में लेके आएंगे. अब यहाँ पे पंड्या का भी नेगेटिव आया है तो पंड्या को भी गुडविल लेके आना पड़ेगा. पंड्या कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,70,000 इंटू 6/27 करो बेटा.
सर पटेल ने अपना करंट अकाउंट क्यों लिखा है? वो लास्ट में लॉजिक बताऊंगा, ठीक है ना प्रेम? जब सम खत्म करूंगा ना तब उसका लॉजिक बताऊंगा। 60,000 पंड्या में आया 60,000 टू, ये दोनों गुडविल किसको मिलेगी? पंडित को 90,000। पहले मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स के कैलकुलेशन और एंट्री पता चली? ये करंट अकाउंट का लॉजिक लास्ट में बताऊंगा सम खत्म करते हुए। ये वाला एंट्री, ये वाली एंट्री फिर से बताओ। देखो पटेल को गुडविल कितनी लानी है? 30,000। अब वो कैश में तो ला नहीं रहा, तो रूल क्या होता है कि कैश में नहीं ला रहा मतलब उसको फ्यूचर में लाना पड़ेगा। तो पटेल करंट अकाउंट डेबिट 30,000, पंड्या का नेगेटिव है तो पंड्या को भी गुडविल लाना पड़ेगा। पंड्या कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,70,000 इंटू 6/27 मतलब 60,000, और ये दोनों गुडविल मिलेगी पंडित को टू पंडित 90,000। कैलकुलेशन एंट्री क्लियर बेटा? Yes, sir, पंडित में कैपिटल या करंट कुछ भी नहीं आएगा? पंडित में कैपिटल ही आएगा बेटा, सिर्फ जो पटेल है उसमें करंट अकाउंट आएगा, उसका लॉजिक में लास्ट में बताता हूं। कैलकुलेशन और एंट्री कंप्लीट करो बेटा तो इसकी पोस्टिंग सीखे। कैलकुलेशन और एंट्री कंप्लीट करो बेटा। डन सर। डन सर। डन सर। स्टूडेंट्स पोस्टिंग सीखते हैं बेटा। पटेल करंट अकाउंट डेबिट, आप चेक करो बेटा हमने कहीं पे करंट अकाउंट बनाया है? नो सर। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? स्टूडेंट जिसको कहां पे लिखेंगे? डेबिट है, डेबिट मतलब असेट, इसको सीधा डालेंगे असेट में। पटेल करंट अकाउंट 30,000। क्लियर हो बच्चों में? सर एक बार वापस देखो, पटेल करंट अकाउंट डेबिट है बेटा, तो हमने करंट अकाउंट तो कहीं बनाया ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उसको सीधा कहां पे लिख देंगे? डेबिट, डेबिट मतलब असेट, सीधा असेट में लिख देंगे पटेल करंट अकाउंट 30,000। ओके बेटा? यस। पंड्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये पंड्या में लिखेंगे 60,000। किसको दिए पंड्या ने? पंडित को, तो यहां लिखेंगे टू पंडित। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ओके? यस सर। यस सर। देखो बेटा पटेल करंट अकाउंट डेबिट वो हमने सीधा लिख दिया बैलेंस शीट की असेट में, फिर पंड्या कैपिटल अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पंड्या में लिख दिया 60,000। टू पंडित, टू मतलब क्रेडिट, पंडित में 90,000 कहां से आएगा? 30,000 आएगा बाय पटेल करंट अकाउंट, 60,000 आएगा बाय पंड्या कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट करो बेटा तो आगे बढ़े। सर ये क्या लिखा है लास्ट में? बाय पंड्या कैपिटल, बाय पंड्या कैपिटल 60, उसके ऊपर बाय पटेल करंट अकाउंट 30,000। सर फोटो भेजोगे? फोटो इसका कैसे भेजू बेटा, मैं कितनी बार भेजूंगा फोटो? क्या फोटो पे लास्ट में ही रखूं बेटा? सर वो बोर्ड ब्लर दिख रहा है। हाँ ब्लर आ रहा है। मैं फोटो तो भेज दूंगा बेटा, अभी तो सम आधे में है। सर सिर्फ कैपिटल अकाउंट का भेज। कैपिटल अकाउंट में आप लास्ट के दो कंफ्यूजन है बोलो। देखो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में पहले है टू ड्रॉइंग्स 8,000 पंडित के कॉलम में, फिर उसके नीचे मैंने लिखा है टू पंडित पंड्या के कॉलम में 60,000। ठीक है बेटा, डेबिट हो गया कंप्लीट कैपिटल में। यस सर। यस यस। और उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट में मैंने लिखा है बाय कैश पटेल के कॉलम में 50,000, फिर बाय रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 12,000 पंड्या में, फिर बाय पटेल्स करंट अकाउंट 30,000 पंडित में, और उसके नीचे बाय पंड्यास कैपिटल 60,000 पंडित में।
बेटा कंप्लीट हो गया? यस सर। सर उसमें आपने पटेल, सर उसमें आपने पटेल्स करंट अकाउंट बोला ना? हाँ पटेल्स कहाँ पे? कैपिटल के क्रेडिट पे ना? सबसे इम्पोर्टेंट, उसी की वजह से ये सम कराना पड़ता है बेटा, बाकी पूरे सम में कुछ भी नहीं है। कैपिटल ऑफ पंडित एंड पंड्या इन द न्यू फर्म शुड बी कैप्ट इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बाय टेकिंग पटेल्स कैपिटल इज बेस। पटेल के कैपिटल को बेस लेके हमको पंडित और पंड्या का कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन देयर करंट अकाउंट। जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हमको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। स्टूडेंट्स हमको पटेल को बेस देने के लिए बोला है, इसीलिए हम लोगों ने जो पटेल का गुडविल था वहां पे हमने पटेल्स करंट अकाउंट डेबिट किया। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पटेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करता ना बेटा, तो उसका बेस चेंज हो जाता। तो जब हमको ऐसा लिखा हो कि हमको नए पार्टनर को बेस लेना है, और अगर नया पार्टनर कोई कैपिटल, कोई गुडविल का अमाउंट लेके आ रहे, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हमेशा हम लोग उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस। फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जब हमको ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि नए पार्टनर के कैपिटल को बेस करना है, उस टाइम पे अगर नया पार्टनर कुछ भी गुडविल का पैसा लेके आ रहा है फ्यूचर में, तो वहां पे हम लोग बाय डिफॉल्ट उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके सर। अब स्टूडेंट्स सर अगर अमाउंट लेके आता तो हम कैसे लिखते हैं एंट्री? अमाउंट लेके आता मतलब किस चीज का अमाउंट? गुडविल का अमाउंट जो भी नहीं लाया, अगर वो लेके आता कैश टू पीएफ जीपीएफ टू ओल्ड पार्टनर्स, वो तो सिंपल ही होता ना बेटा, वो तो सिंपल ही होता अगर वो लेके आता। तो यहाँ वो नहीं ला रहा है, तो इसीलिए जो उसको फ्यूचर में लाना है वो हमको करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा। क्योंकि हमको उसका बेस, बेस मतलब जो उसका कैपिटल का अमाउंट है वही का वही रहना चाहिए, वो अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसके करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा। ओके यस सर। नाउ स्टूडेंट्स अब बाकी बची हुई चीजों को शिफ्ट करेंगे। असेट्स में पहले पहले गुडविल दिया है, कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स गुडविल को? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। डिस्ट्रीब्यूट करो टू गुडविल, कितना गुडविल है? 30,000 ओल्ड रेशियो में 2:1 में, मतलब 20,000 एंड 10,000। उसके बाद बिल्डिंग 2 लाख, बैलेंस शीट के असेट में बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 40,000, असेट्स में फर्नीचर 40,000, स्टॉक 26,000, डेटर्स 24,000, एंड कैश 80,000। तो कैश के डेबिट में तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। अब आते हैं वहां पे स्टूडेंट्स कैपिटल, तो कैपिटल पहले पहले क्रेडिट पे चला जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 130,120। चलो पहले यहां तक कंप्लीट करो बेटा, तो फिर आगे बढ़े। यहां तक जिसका बाकी है वो कंप्लीट करें। सर आपने लास्ट में क्या लिखा? कहाँ पे बेटा? लास्ट में क्या लिखा? वो लास्ट में कैपिटल के क्रेडिट पे लिखा बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पंडित में 130 और पंड्या में 120। डन सर। पढ़े आगे स्टूडेंट्स? यस सर। यस ओके। कैपिटल के बाद कैपिटल रिजर्व। स्टूडेंट्स कैपिटल रिजर्व कहाँ जाएगा? कैपिटल के क्रेडिट, कैपिटल के क्रेडिट पे बाय कैपिटल रिजर्व 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा 2:1 में, 14,000। फिर उसके बाद वर्कर्स सेविंग अकाउंट, ये जाएगा लायबिलिटी में,
क्योंकि हमको वर्कर को पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में, वो लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी में लिख देंगे वर्कर सेविंग अकाउंट 10,000। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड इट इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो भी लायबिलिटी में ही लिखेंगे, अमाउंट इज 12,000। कंप्लीट करो स्टूडेंट्स यहां तक तो आगे बढ़े। सर हेलो सर, हाँ बोलो प्रिया। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि वर्कर सेविंग फंड को हम वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व नहीं कर बोल सकते सर? नहीं 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 भाई, अलग अलग है दोनों। सेविंग अकाउंट मतलब उनके सेविंग में पैसे पड़े हैं बेटा, तो वो हमारा अधिकार थोड़ी है, वो तो उनका अधिकार है ना बेटा। कंपेंसेशन रिजर्व तो किस लिए होता है कि अगर वर्कर का एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग उसको पैसा भर के देंगे, तो वो हमारा अधिकार है। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो पैसा हमारा है। बड़े आगे स्टूडेंट, यहाँ तक कंप्लीट सबका? स्टूडेंट्स अभी एक बात बताओ बेटा, ये कैलकुलेशन सबकी कंप्लीट है, कुछ लिखना बाकी नहीं है ना किसी का भी? नहीं सर, एक ही मिनट। हाँ जल्दी, जिसका बाकी है जल्दी कंप्लीट करो, तो मैं कैलकुलेशन रब करूँ खाली बेटा। डन सर। नाउ स्टूडेंट्स, हमको लास्ट एडजस्टमेंट ऐसा कह रहा है कि हमको पटेल को बेस लेके और बाकी सबका कैपिटल निकालना है। तो जब स्टूडेंट्स बेस वाला एडजस्टमेंट आता है तो बाकी सब एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के बाद जो चीजें बची हैं उनको शिफ्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले रीवैल्यूएशन का टोटल। रीवैल्यूएशन देखो बेटा तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 17,000, वही 17,000 यहाँ पे, 8,000 गया, बाकी बचा 9,000। यहां लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट, इसको 9,000 को पंडित और पंड्या में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, ओल्ड रेशियो में। 6,000 and 3,000। अब यहां पे क्रेडिट है तो कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन 6,000, 3,000। यहां तक क्लियर बच्चों? यस सर। कंप्लीट करो इसको बेटा साथ साथ में मेरे। डन सर। हो गया सबका स्टूडेंट्स? नो सर। करो करो कंप्लीट करो। डन सर। स्टूडेंट्स एज पर एडजस्टमेंट 7 हमको किसको बेस लेने के लिए बोला है बच्चों? पटेल। जिसको बेस लेना हो ना बेटा सबसे पहले उसका टोटल होगा। पटेल का मैं टोटल करूं तो क्रेडिट साइड पे 50,000, वही मैं यहाँ पे डेबिट पे लिखूंगा 50,000। ये 50,000 आ जाएगा मेरा टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड, लिख दो। लिखा स्टूडेंट्स? यस सर। पटेल को बेस लेके हमको पंडित और पंड्या का कैपिटल निकालना है। स्टूडेंट्स मुझे पंडित, पंड्या और पटेल इन तीनों का न्यू रेशो बताइए। 3:5:1 हमको पटेल को बेस देना है बेटा, तो 1:1 पे पटेल का कैपिटल अगर 50,000 है तो 3:1 पे पंडित का कैपिटल कितना होना चाहिए बताइए?
ये हो जाएगा पंडित का बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड, मतलब ये हो जाएगा पंडित का क्लोजिंग कैपिटल। इसी तरीके से पंड्या का निकालेंगे, एक रेशियो पे पटेल का अमाउंट अगर 50,000 है तो 5 रेशियो पे पंड्या का कैपिटल कितना? 2,50,000। ओके स्टूडेंट्स, ये लॉजिक क्या, वापस बोलो बेटा। ऐसा क्यों किया सर हमको, क्या बोला बेटा? पटेल को बेच देना है, तो पटेल का कैपिटल था 50,000 किसके हिसाब से? उसके शेयर के हिसाब से। तो उसका शेयर क्या था? 1 पे अगर वो 50,000 लेके आ रहा है तो पंडित 3 पे कितना कैपिटल रखेगा? 1 पे अगर पटेल का 50,000 का कैपिटल है तो 5 पे पंड्या कितना रखेगा? ओके बेटा, स्टूडेंट्स ओके? यस सर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स उस एडजस्टमेंट नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए, और उसमें जो डिफरेंस अमाउंट है वो किस पे ट्रांसफर करने को बोला है, करंट अकाउंट में कि कैश अकाउंट में? करंट अकाउंट। करंट। अब उसका क्या करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले पंडित में देखो बेटा, तो पंडित में क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो सबसे पहले मैं क्रेडिट का टोटल करूंगा बेटा, पंडित का क्रेडिट का टोटल करूंगा मैं सबसे पहले। 234 ही है। इन लोगों ने ना पूरा उल्टा कैपिटल लिख दिया है, पूरा कैपिटल ही उल्टा लिख दिया। ठीक है, अपन बराबर है बेटा, अपन जाने दे रहे हैं, सही है। अब ये 234 आ जाएगा यहाँ पे, 234। अब 234 में से इन सबको माइनस करो, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा। उन्होंने पूरे क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है। 234 में से इन सबको माइनस करो बेटा, देखो कितना बच रहा है। 2 लाख। बेटा ये 1.5 लाख है। 1,44,000। यस सर, यस सर। 1,44,000 यहां लिखेंगे टू करंट अकाउंट। एक बार फिर से क्या किया, पंडित का क्रेडिट का टोटल किया, वही अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट पे रखा। 234 में से 826 150 माइनस किया, बचा 150। सर 50,000 नहीं बच रहा, 50,000 यहाँ लिखा टू करंट अकाउंट। अब ये डेबिट है, तो डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी में लिखेंगे पंडित्स करंट अकाउंट 50,000। बेटा लॉजिक क्लियर सबको स्टूडेंट्स? सर एक बार फिर से बताइए। सर सर पंडित का क्रेडिट में टोटल 1,80,000 है बेटा। वो एक्चुअली क्या है, उन लोगों ने पूरा पूरा समय उलट पुलट कर दिया है, इसीलिए एरर आ रहा है बेटा। हम बराबर जा रहे हैं, टेंशन मत लो। सर अभी टोटल किया तो 1,80,000 आ रहा है। कैसे बेटा? ये देखो 130 + 30 160 + 60 220 220 + 14 234 आ रहा है ना बेटा। यस सर 234 आ रहा है। डेबिट में क्रेडिट का टोटल 234, वही 234 हमने डेबिट पे रखा, 234 में से सब अमाउंट को माइनस किया तो बाकी बचा 50,000, उसके सामने लिखेंगे टू करंट अकाउंट। अब ये डेबिट है, तो डेबिट लेके आएंगे क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पंडित करंट अकाउंट 50,000। ओके यस सर। डेबिट के अमाउंट क्या है सर, बोलो ना अमाउंट से। डेबिट पे 8,000, टू ड्रॉइंग्स 8,000, फिर टू गुडविल 20,000, फिर टू रीवैल्यूएशन 6,000 पंडित में, फिर टू करंट अकाउंट 50,000 जो डिफरेंस आया, एंड टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 1,50,000। ओके ओके यस सर। पंड्या का देखो बेटा, पंड्या में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट का टोटल करेंगे पहले,
250 प्लस 3 और वही 3,23,000 आ जाएगा यहाँ पे, तो डिफरेंस बाय करंट अकाउंट 323 में से इन सबको माइनस करो, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 1,84,000. अब ये क्रेडिट में डिफरेंस आया, तो क्रेडिट को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग, डेबिट, डेबिट डेबिट मतलब असेट, असेट में लिखेंगे पंड्यास करंट अकाउंट 1,84,000. ओके स्टूडेंट्स? यस सर. और पटेल का तो, पटेल का तो बैलेंस निकल गया. हाँ प्रेम बोलो बेटा. सर कैपिटल क्रेडिट में लास्ट में क्या आ रहा है? ला रहा हूं रुको बेटा सर, टू करंट अकाउंट में 50,000 कैसे आया? डिफरेंस निकालो ना बेटा, पंडित का टोटल किया, क्रेडिट का 234, वही 234 को डेबिट में लेके आए, उसमें से जो भी अमाउंट्स थे वो सब माइनस कर दिए, बाकी 50,000 का डिफरेंस बचा. ओके, पंड्या कैपिटल में कितना लिखा है? 1,84,000 है. पंड्या के कैपिटल में कहां बोल रहे हो? असेट में. लायबिलिटी में कैपिटल पंडित 1,50,000, फिर पंड्या 250 एंड लास्ट में पटेल 50,000. टोटल करो 2,3,4,4,5 लाख बाहर. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ओके? यस सर. यस सर. यस सर. रिवैल्यूएशन कंप्लीट, कैपिटल कंप्लीट, अब कैश का टोटल निकालो. 130 My balance credit forward 130 वो आ जाएगा assets में, cash account 1,30,000. अब दोनों तरफ का total करेंगे, देखो tally आ रहा है बेटा. Yes sir. Amount क्या आ रहा है बेटा? Amount बताइए पहले. 6,34,000. 6,34,000 दोनों तरफ? हाँ sir. Yes. Done. Complete कर दो बेटा, students जिसका जितना pending है तो homework दो. अब पीक भेजो ना. अब पीक भेजो. अब भेज दो पूरा सब कितने. सर इसमें देखना आप, अपने calculation के हिसाब से 6,34,000 है और इनके कैलकुलेशन के हिसाब से 6,54,000 है. मैं कैसा है यश, उन लोगों ने क्या किया बेटा, ये पंडित और पंड्या का कैपिटल ही पूरा उलट पुलट कर दिया है उन्होंने, तो इसलिए आंसर तो वेरी हो जाएगा ना बेटा. हाँ तो ऐसे सर बोर्ड में उनका कैलकुलेशन, बोर्ड में तो देखो, बोर्ड में तो कैसे जैसा दिया है आप ऐसे ही जाने दोगे उसको. हाँ सही के गलत वो उनको पता, हमको तो जो दिया हम तो उसके हिसाब से जाएंगे ना बेटा. यस डन सर. दो मिनट बेटा. सर वो एक डाउट है. बोलो बेटा. सर कैपिटल के क्रेडिट में आपने सीआर क्या लिखा है? वो कैपिटल रिजर्व 14,000 7,000.
स्टूडेंट्स होमवर्क दे रहा हूं बेटा, जिनका जिनका सम हो गया है वो लोग लीव कर सकते हैं, मैं पहले होमवर्क दे दूं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पार्श्वी एंड अनेरी, क्वेश्चन 16 पार्श्वी एंड अनेरी, ये सब आप लोगों के होमवर्क में स्टूडेंट्स। हाँ बेटा सर इस क्वेश्चन में गलती होगी? ओके सर। नहीं 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 उसमें गलती नहीं है, उसमें गलती नहीं है बेटा, वो बराबर है। जिनका ये बोर्ड वाला सम हो गया बेटा वो लीव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बेटा बाय सर। चैप्टर बस परसों, बस तीन तीन ही सम बाकी है अभी। ओके कल दो सम्स करने हैं, परसों एक, परसों चैप्टर कंप्लीट। ओके सर।